अब मैं बस अपने बचपने का एक वाकया नकल करना चाहता हूँ, बिल्कुल बचपने का, जब मेरे वालिदे माजिद मुझे कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। तो अंदाज ये था कि रोजाना 5 आयतें पढ़ाते थे, सिर्फ तर्जमे के साथ, एक एक लफ्ज के मानी के साथ। और तरीका ये था कि सुबह दर्स मिला, शाम को आयतें हिफ्ज हों, इसलिए कि कोई लंबा चौड़ा तो सबक मिला नहीं है, बस 5 आयतें मिली हैं। 5 के अदद में बड़ी बरकत है। बहुत बरकतें। कयामत का जिक्र भी 5वें हिस्से में है, बड़ी बरकतें हैं। बहरहाल 5 आयतें दे दी, पढ़ा दी, तर्जुमा, अल्फाज के मानी, और उसके बाद शब में दाखिल हुए। और पहला काम मेरा ये होता था, दरवाजा खोला और दामन पकड़ के वही आयतें सुना दी, और उसके बाद तर्जमा सुना दिया। कभी कहना पड़ता था कि अरे जरा बैठ जाए तब सुनाइएगा, मालूम है बहुत अच्छा हाफिज आया आपका। अब उसके बाद एक मंजिल हुआ है कि जहां कुरान मजीद में आयत थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। उस दिन तर्जमे में मुझे ये ख्याल है कि शायद 1 या 2 आयतों से ज्यादा का तर्जुमा नहीं हुआ, और एक उन्होंने मिसाल पेश की। अब वो मिसाल ये थी, कहा कि ये तर्जुमा आपने समझा? मैंने कहा जी समझा, बचपने का जमाना है। कहा ये बताइए, आपके यहां 22 रजब को नजर होती है या 22 जुमादिस्सानिया को नजर होती है, 13 रजब को नजर होती है? अब आपने बर्तनों में शीरीनी भर दी और नजर दे दी, और अब पूरा महल्ला आ रहा है रखने के लिए, और आपने चढ़ेगा? अगर किसी ने नहीं चखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। देखिए, अगर आप मेरे घर नहीं आए तो फिर मैं भी आपके घर नहीं आऊंगा। ये दोस्ताना और मोहब्बताना गिले शिकवे होते हैं ना। तो फरमाया आखिर में कि ये तो याद होगा, हर साल होता है। मैंने कहा जी। कहा आप ये बताइए कि चखने वाली चीज खत्म होती है या वो खत्म होते हैं जो चखने वाले हैं? अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि किसी के यहां नजर हो और जितने चखने वाले हैं वो सब खत्म हो जाए, तो फिर हश्र क्या होगा? फिर उस नजर करने वाले का हश्र क्या होगा? बहरहाल अभी इस मौजू में नहीं पड़ता। परवरदिगार ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स के लिए खतरा नहीं है, मौत को अपनी आकिबत संवारनी चाहिए। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। मगर यूं ही आसानी से बात थोड़ी, मैंने कह दी और अच्छी लगी और वाह वाह सुभान अल्लाह। मौत किस मफहूम में, और हयात किस मफहूम में, और नफ्स किस मफहूम में? ये कौन सा नफ्स है जो मौत पर गालिब आएगा? हर नफ्स नहीं, अरे हर चीज का मजाक रखने वाली तबीयतें अलग अलग होती हैं। वो ज़ौक़ तबीयत पैदा कीजिए, वो मजाक पैदा कीजिए, और वो इस तरह मौत खत्म हो जाएगी कि जब आप बचपन से लेकर और खास तौर से जवानी में, जब जोश जवानी है, और उस वक्त हर मौके पर मौत को चखने की आदत डाल लीजिए। मौत चखने की का मजाक पैदा कर लीजिए, ज़ौक पैदा कर लीजिए। दिल चाह रहा है आराम काम कर लें, नहीं करेंगे, एक एक गुना मौत का मजा आ जाएगा। भाई सामने रखी हुई है एक चीज बहुत हसीन, बहुत खुश रंग, बहुत खुश मजा, बहुत खुशबू भी है, खुश मजा भी है, खुश रंग भी है, और दिल जो है वो चाहता है कि बस इसे इस्तेमाल कर लें, नोशे जान कर लें। मगर उधर शरीयत ने कहा, हाथ बढ़ रहा था, शरीयत ने कहा ये हराम है, मौत का मजा तो आ गया।
मौत का मजा ही तो आ गया बस। इसी तरह एक वाजिब है, फर्ज है, जाहिरी हालात में सख्त महसूस हो रहा है, मुश्किल महसूस हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं। इस वाजिब को अदा करने के लिए घर से निकल के उस मंजिल तक जाने के लिए रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं। इन कांटों को अपने पैरों से डल मसल के ऐसा बना देना है कि दुनिया वाले कांटे समझें कि फूलों की पंखड़ियां बिखरी हुई हैं, ताकि जितने जख्म हैं हमारे तलवे को जख्मी करें मगर हमारे बाद आने वाले जख्मी ना हो। ऐसी राह है जहां रास्ते में कांटे हैं और सर के ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है। ऐसा रास्ता है कि जहां हर तरफ से तीर बरस रहे हैं। ऐसा रास्ता है जहां हर तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मौत का मजा आ रहा है मगर वाजिब तर्क नहीं होने देंगे, वाजिब तर्क नहीं होने देंगे। जब ये कैफियत पैदा रगड़ती है जिंदगियां रंगड़ाइयां लेती हैं। सलावत है मौत برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله